साथियों, मैं तो एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ SSC ऑल एग्जाम जीके एंड GS। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शास्त्रीय संगीत और उनके कलाकार। दोस्तों, अगर हम SSC के सिलेबस के पैटर्न को देखें तो उसमें बहुत अधिक संख्या में स्टैटिक जीके और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर मैं ये शास्त्रीय नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इसे बहुत ही अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए आज लेके आ गया हूँ शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे भारत में कुल 8 नृत्य हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम एक एक करके सभी नृत्य को देखेंगे और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और उनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनको भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नृत्य है कथक। देखिए, जो कथक है यह उत्तर भारत में प्रमुखता और प्रमुखता उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमने क्या जाना कि कथक जो है उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश का ये प्रमुखता शास्त्रीय नृत्य है। यह एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट से या फिर दक्षिण भारत से अधिकतर हैं, बाकी एकमात्र जो है कथक ये केवल यही जो है उत्तर भारत से संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट है, महाभारत में भी कथक का वर्णन है। महाभारत काल है उससे भी ये संबंधित है, मतलब ये बहुत ही पुराना नृत्य है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और भक्ति भावना से था। इस्लाम के आगमन के पश्चात यह दरबार में भी किया जाने लगा, मतलब जो शासक हुए जो इस्लामिक जितने भी थे उनके दरबारों में ये किया जाने लगा और इस प्रकार ये एक दरबारी नृत्य बन गया। दोस्तों, कथक से कुछ घराने हैं। घरानों से तात्पर्य मैं आपको बता दूं कि जहाँ से ये नृत्य शुरू हुआ है या जहाँ पर ये बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है उन्हें घराने कहा जाता है। तो प्रमुख घराने हैं जैसे कि लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। दोस्तों, इन घरानों के कुछ संस्थापक भी हैं, इसे मैं फिर किसी वीडियो में कवर कर लूँगा। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अभी जो मेन टॉपिक है उस पर बात करता हूँ। दोस्तों, ये कथक है, इनके कुछ प्रमुख कलाकार हैं जैसे कि सबसे प्रमुख हैं इनमें पंडित बिरजू महाराज, और इन्हें बहुत सारे जैसे भारत रत्न जैसे बहुत सारे सम्मान इनको मिले हुए हैं। तो इनके बारे में भी मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल हम इनके कलाकार देख लेते हैं, जैसे कि बिरजू महाराज हैं, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक राम, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, शंभू महाराज और चंद्रलेखा। दोस्तों, इतने सारे नाम हम कैसे याद रखेंगे, चलिए इसको कुछ आसान बना देते हैं। दोस्तों, आप गौर कीजिएगा कि जो अधिकतर आप नाम देख रहे हैं तो उनमें सभी हैं लास्ट में महाराज महाराज जुड़ा हो, जैसे पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और शंभू महाराज। तो ये महाराज वाले से ये तो फिक्स है कि ये कथक से संबंधित हैं। बाकी जो नाम बचे तो उनको हम देखिए किस ट्रिक से और कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारा नृत्य है कथक, तो कथक को हम थकने से जोड़ेंगे, जो थकते हैं टायर्ड उससे हम जोड़ते हैं और उससे रिलेट करके हम थोड़ा उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि दमयंती जोशी, अगर हमें थकना नहीं है, जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है तो हमें जोश होना चाहिए। जो जोश है हमें थकने नहीं देगा, हमें दम होना चाहिए और जोश होना चाहिए जो हमें थकने नहीं देगा। तो दमयंती जोशी इस प्रकार याद रख सकते हैं, ये कथक से संबंधित है। हमें सितारा जानते होंगे, स्टार बनना है, जब हम अच्छी जॉब पा लेंगे, वर्दी हमारे शरीर पर चढ़ जाएगी तो हमें सितारे जैसे चमकेंगे। तो सितारा देवी जो है, और ये तब कब संभव होगा, जब हम थकेंगे नहीं अभी। तो अगर हमें सितारा बनना है तो हमें थकना नहीं है, तो इस तरीके से आप सितारा देवी याद कर सकते हैं। अगला है कार्तिक राम, पंडित कार्तिक राम को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। सुखदेव महाराज,
ये इसमें महाराज है ये याद हो सकता है और हो जाएगा। शोभना नारायण, शोभना नारायण को कैसे याद रखेंगे? अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें थकना शोभा नहीं देता। इस प्रकार हम शोभना नारायण देख लेंगे, गोपी कृष्ण देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, मालविका सरकार। दोस्तों हम सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या बहुत माल मिलेगा, माल मिलेगा सरकारी नौकरी में बहुत, इसलिए हमें थकना नहीं है। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा, अगर हमें चांद तक भी लिखाई करनी पड़े तो हम थकेंगे नहीं, हमें इतनी अपनी प्रैक्टिस करनी है, हमें थकना नहीं है। तो ये कुछ ट्रिक है, इससे आप कुछ नाम याद रख सकते हैं और बहुत आसानी से ये नाम हो जाएंगे आप। नेक्स्ट हमारा जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे गलती से टाइपिंग एरर हो गया है, शास्त्रीय नृत्य है ये, तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों ये सबसे पहला सवाल तो इन शास्त्रीय नृत्यों में यही बनता है कि ये किस राज्य से या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सबसे पहला ये पूछा जाएगा, तो इसलिए हम भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, ये बहुत ही आसान है, याद रख सकते हैं दोस्तों। और एक और जो फैक्ट है, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको भी याद रखेंगे, ये कर्नाटक संगीत से भरतनाट्यम संबंधित है, हालांकि ये तमिलनाडु से है लेकिन ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये भरतनाट्यम जो है 7 भागों में विभाजित है, जैसे कि पहला अलमारिशु, दूसरा जाति स्वरूपम, तीसरा शब्दम, चौथा वर्णम, पाँचवा पद्म, छठवा जवाली और ये 7वां तिल्लाना। दोस्तों इसमें भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार इन पे हमारी नज़र पड़ जाए ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो हम इन्हें काफ़ी आसानी से अटेंड कर सकें। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता देता हूँ आपको कि ये जो अलमारिपू है इससे जो भरतनाट्यम है इसकी शुरुआत होती है, अलमारिपू से शुरुआत होती है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। और ये तिल्लाना जो है इससे नृत्य का अंत होता है, ये दो चीज़ें तो हमें इम्पॉर्टेंट है याद रखना, और जवाली भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तिल्लाना से पहले क्या आता है अगर ऐसा पूछा जाए तो ये जवाली आप बता सकते हैं। इसके भी कुछ घराने हैं, हालांकि ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा कि हमें एक बार नज़र इन पर मार लेनी चाहिए ताकि हम जब भी एग्ज़ाम आए तो उस पर अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो घराने कुछ हैं, घराने तंजौर, कांचीपुरम, पंडलूर, ये कुछ घराने हैं दोस्तों। घराने भी हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि तंजौर है, कांचीपुरम ही तमिलनाडु से संबंधित है। और इन घरानों को हम क्या कहते हैं, इन्हें पाणी के नाम से भी जाना जाता है, ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु खासकर। चलिए कलाकार देख लेते हैं, कलाकार हैं बाला सरस्वती, रुक्मणी अरुंडेल, इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, ओडिशी। दरअसल क्या है, सोनल मानसिंह जो है दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो केवल एक नृत्य नहीं करते, बहुत सारे नृत्यों में उन्होंने महारत हासिल किया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और साथ में ओडिशी से भी संबंधित हैं। और बाला सरस्वती, रुक्मणी अरुंडेल, इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, पूर्णिमा मजुमदार, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो ओडिसी और कुचिपुड़ी दोनों और साथ में भरतनाट्यम, इन तीनों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं और भी आप देखें तो आप ये ना सोचिएगा कि मैंने वो गलत बताया, ये दो तीन नृत्य से संबंधित रहते हैं इसलिए अलग अलग जगह ये मिल सकते हैं आपको दोस्तों। इसको भी हम याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक देख लेते हैं इसकी। बाला सरस्वती दोस्तों, ये बाला से आप याद रखिए, बाल बाल मतलब बच्चे जो होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं अपने स्कूलों में, बाल जो बच्चे होते हैं वो सरस्वती माता की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, हमारे भारत में, हमारे भारत की ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति है कि बच्चे सरस्वती माता की प्रार्थना करते हैं। रुक्मणी अरुंडेल, इसको कैसे याद रखेंगे, रुक्मणी, रुक्मणी से याद रखिए, रुक्मणी जो मनी है, रुपया है, वो रुकता नहीं है, कहाँ पे, भारत में, कब खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। इंद्राणी रहमान को आप याद कर लेंगे, सोनल मानसिंह इनको याद कर लेंगे, सोनल मानसिंह खासकर ओडिशी से जुड़ी हुई हैं। वैजयंती माला दोस्तों, जयंती जो किसी की होती है उनमें हम माला चढ़ाते हैं, कहाँ पे, भारत में, हमारे भारत की परंपरा है, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ कि जो
जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ या जो भी रिलेट कर रहा हूँ, ये आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका तरीका क्या है मैं जो रिलेट करने का, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम शब्द को, किसी भी शब्द को हम देखते हैं और उस शब्द को देखने के बाद ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँगा याद करना ज़रूरी है, नहीं, आप उस शब्द को देखते हैं और जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको याद आता है, उससे आप रिलेट कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको ज़्यादा याद रहेगा। अब मेरे दिमाग में जैसे कि कुछ और आ रहा है, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार आप उसको अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये इंद्राणी जो रहमान है, इंद्राणी रहमान, इनके बारे में प्रमुख बात क्या है। इंद्राणी रहमान भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिशी आदि नृत्यों में पश्चिम में लोकप्रियता इन्होंने हासिल की है। दोस्तों जो पश्चिम में है, मतलब जिनको हम अमेरिका हो गया और जितने भी यूरोपीय देश हैं, इनमें जाके भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और विदेशों में और खासकर पश्चिम में हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को विकसित किया, वहाँ पे इसकी पहचान बनाई उन्होंने बहुत अच्छी, ठीक है। तो इंद्राणी रहमान से बहुत इम्पोर्टेंट है इस नृत्य से, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कथकली। दोस्तों ये कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल का नृत्य है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, कथकली किससे संबंधित है? कथकली केरल से संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट है कि इसमें चेहरे के हाव भाव, नृत्य भौं के संचालन, गाल, नाक एवं थोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों मैं क्या है, मैं पिक्चर लगाने की भी सोचा था मैंने, लेकिन क्या है समय के कारण इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, काफ़ी समय इसमें मेरा लग गया और वो लास्ट टाइम जब मैं एडिट कर रहा था तो फ़ोटो लगाना मैं भूल गया, वरना आपको फ़ोटो लगा के दिखा देता। हालांकि जब मैं अगले कुछ क्वेश्चन लाऊंगा तो इनकी फ़ोटो ज़रूर लगा के लाऊंगा। तो इसमें कथकली जो है, इसमें चेहरे के हाव भाव, नेत्र भौं, इसके संचालन, गाल, नाक, थोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें दो पात्र होते हैं, नायक इसे पाचक कहते हैं और वह खलनायक इसे कैथी कहते हैं। इसमें नर्तक चेहरे पर हरा, लाल, पीला और काला रंग लगाता है। आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं किस टाइप की, ताकि एक इमेज हमारे जो दिमाग में है वो बैठ जाए, इससे हम काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं हमें, ठीक है। तो आपने देखा होगा काफ़ी नृत्य होते हैं जो दक्षिण भारत के, उनमें कथकली एक रहता है, चेहरे पर लाल, हरा, पीला और काला रंग आदि रंग से चेहरे को सजाते हैं। यह नृत्य अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को व्यक्त करता है, ठीक है। दोस्तों इसमें महाभारत, रामायण जैसी ये जो पौराणिक हमारी कथाएं हैं, उस विषय पे ये नृत्य होता है। तो जैसे कि रामायण है अच्छाई पे बुराई की जीत, तो इस प्रकार के ये जो संघर्ष हैं इनको व्यक्त करता है ये क्या, कथकली। इसके चलिए कलाकार देख लेते हैं। कलाकार है इनका, इनके रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवरामन, शांताराम, रामगोपाल नारायण मेनन और कृष्ण नायर। दोस्तों इसको भी हम कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे कथकली को हम याद कर लेते हैं कली से, ठीक है। कथकली को हम कली से याद कर लेते हैं और किस प्रकार हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि मृणालिनी साराभाई, इनको देख लेते हैं। सारे भाई अगर लिनी, सारा भाई मतलब सारे भाई लिनी लेने आए अगर क्या कली को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनको शांत कर देंगे, उन्हें रोक देंगे, क्योंकि राम ने बहुत मेहनत से उसको पाला है, ठीक है ना, राम ने बहुत मेहनत से उसको पाला है, उसको मना कर देना, बोला ना यार कृष्णा ना यार। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको स्टोरी बना सकते हैं जैसे भी चाहें आप। जैसे कि हमारी कृष्ण कुटी है जो अधिकतर बंगलों के नाम रख देते हैं, समय कॉटेज एट्सेट्रा, तो कृष्ण कुटी है, उसमें एक कली लगी हुई है, ठीक है। तो अगर सारे भाई भी लेने आए अपने आनंद के लिए उसे तोड़ें कली को, तो उसे मना कर देना, मना मैनन से आप मना याद कर सकते हैं, उन्हें शांत कर देना इस प्रकार से याद कर सकते हैं, उन्हें बोलना ना यार
राम ने बहुत मुश्किल से इसको पाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कथकली को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को प्रदर्शित करता है। ये जो मोहिनीअट्टम है, भगवान विष्णु जब वो समुद्र मंथन हो रहा था उस समय की ये कहानी है, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। ठीक है, तो उस समय से ये संबंधित है। तो ये जो मोहिनीअट्टम है दोस्तों, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखा आपने कि जो कथकली था वो भी केरल से संबंधित था, और साथ में मोहिनीअट्टम है वो भी केरल से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कौन सा वो राज्य है जिसमें दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप बता सकते हैं ये केरल राज्य है जिसमें दो शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है ना, तो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से ये मैं आपको बता चुका। चलिए इसके कलाकार देख लेते हैं। इसके कलाकार हैं दोस्तों हेमा मालिनी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, भारती शिवाजी और कल्याणी कुट्टियम्मा। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, हेमा मालिनी को आप जानते होंगे, एक अभिनेत्री हैं, श्रीदेवी एक अभिनेत्री हैं। तो इनको कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जब इनकी फिल्में देखते होंगे तो आप मोहित हो जाते होंगे या नहीं, या बहुत सारे अभिनेता इन पर मोहित हो जाते थे, श्रीदेवी इन पर मोहित हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन दोनों को तो याद रख सकते हैं। साथ में ये देखिए, इसमें देवी जुड़ा हुआ है, श्रीदेवी में। जब श्रीदेवी को आप इस प्रकार याद रख लेंगे कि मोहित हो जाते थे, तो श्रीदेवी किससे हैं, मोहिनीअट्टम से हैं। और देवी जो जुड़ा है, तो इसका एक रूट वर्ड पकड़िए, देवी। तो जैसे काला देवी, रागिनी देवी, इन दोनों में देवी है, तो ये किससे संबंधित हैं, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित। अगला है भारती शिवाजी। तो शिवाजी की वीरता को देख के हम मोहित हो जाते हैं कि नहीं, कि हमारे कितने वीर थे, कितने महान वीर थे शिवाजी। तो इस प्रकार ये भी याद रख सकते हैं, भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। कल्याण कुट्टियम्मा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब वैसे भी मैं जब नए नए क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें साथ में पुरानी चीज़ें उनको रिपीट करता रहूंगा, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें आप सुनें तो आपको याद हो जाएं। तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा इसकी। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा जिला है, उसका दिवी तालुक है, उसमें एक गांव है कुचिपुड़ी। तो उस गांव के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। दोस्तों कुचिपुड़ी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और तादेपल्ली पिराया, इनने महिलाओं को शामिल किया। दोस्तों पहले क्या होता था कि ये जो नृत्य थे इनमें महिलाएँ शामिल नहीं होती थी, और वैसे भी भारतीय समाज में जो महिलाओं को एक समय ऐसा आया था, हालांकि वैदिक काल में नारी बहुत शिक्षित हुआ करती थी, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है और तरह तरह की बातें हैं। और लेकिन जो हमने कुछ समय ऐसा भी देखा जिसमें नारियों को बहुत नीचे समझा जाने लगा, तो कुचिपुड़ी जो है इसमें नारियों का प्रवेश नहीं था। तो वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति, तादेपल्ली पिराया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शामिल किया इस कुचिपुड़ी में। ठीक है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति, तादेपल्ली ये किससे संबंधित हैं, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है कुचिपुड़ी में। इस नृत्य को भगवत थालू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे भगवत थालू के नाम से जाना जाता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने कई नृत्य नाटिकाओं का को जोड़ा है। और सिद्धेंद्र योगी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, सिद्धेंद्र योगी वैष्णव कवि हैं, इन्होंने 17वीं सदी में इसे विकसित किया था। तो इसलिए इन्होंने विकसित किया था, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो क्या क्या बताया मैंने, इम्पोर्टेंट जो नाम है इनको याद रखना है, वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति, तादेपल्ली पिराया और सिद्धेंद्र योगी, और साथ में वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये किससे, कुचिपुड़ी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके कलाकार देख लेते हैं दोस्तों। इसके कलाकार बहुत ही आसान हैं, बस आपको ये जो मैंने कुछ चार नाम बताए हैं, चार पांच नाम, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इसके बहुत आसान कलाकार हैं, इनका एक रूट वर्ड पकड़िए आप, रेडी 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 रेडी। तो इस प्रकार ये आप याद रख सकते हैं कि जिसके नाम में भी अगर आपको रेडी मिल जाए तो वो किससे हैं, कुचिपुड़ी से हैं। दोस्तों कुचिपुड़ी को आप इस प्रकार याद रखिए, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पुड़ी। ठीक है, कच्ची पुड़ी है, अभी रेडी नहीं हुई है,
ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रहेगा कि रेडी रूट वर्ड जो है किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी से है। और इसके कलाकार जो बाकी रह गए हैं हम उनको देख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, ठीक है, कुचिपुड़ी को कच्चा सपना बोल दीजिए, स्वप्न जो है हमारा कच्चा है, हमारे सपने हमें क्या दिख गई, सुंदरी, तो हमें एक अच्छी जॉब पानी है, हमें इस प्रकार के सपने नहीं देखने चाहिए, हमारा कच्चा सपना है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। कृष्ण यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, कौशल्या रेड्डी, ये तो रेड्डी से याद हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण, ठीक है, हमें पैसे देख रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, देश सेवा, हमें वर्दी पाना है और हमें लक्ष्मी सपने में दिख रही है, इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या, कच्चा सपना है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और इसे आप अपने हिसाब से अगर जैसा आपको आसान लगे वैसा आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है ओडिसी। दोस्तों ओडिसी जो है ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको कि ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये देवदासियों द्वारा किए जाने वाला आराधना नृत्य है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके कलाकार देख लेते हैं, इसके कलाकार प्रमुख है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, केलुचरण महापात्र। तो ओडिशी में योगदान के लिए केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1966 में मिला, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। तो केलुचरण नाम ही एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ओडिशी संबंधित है, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको क्या किया गया और सम्मानित भी किया गया, हाँ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। और अगले हम इसको कलाकार जो है इनके देख लेते हैं। देखिए इसमें भी कुछ रूट वर्ड वैसे मिल जाएंगे, मोहन महापात्र, दोस्तों एक और नाम है केलुचरण महापात्र, इसमें है या नहीं शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, अरे हाँ, ये केलुचरण महापात्र जो है इसी से आप मोहन महापात्र याद रख सकते हैं। पंकज चरण दास, तो ये केलुचरण के चरण से इस चरण को रिलेट कर लीजिएगा, तो पंकज चरण इस प्रकार आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। मायाधर राव, दोस्तों ओडिशी को आप उड़ने से याद रख सकते हैं कि माया जो है वो धरी रह जाएगी, कैसे याद करेंगे, माया धरी रह जाएगी क्योंकि हमारे प्राण पंख पखेरु उड़ जाएंगे, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं मायाधर राव, माया धरी रह जाएगी हमारे प्राण उड़ जाएंगे, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। माधवी मुदगल, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं, इनको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और मैं लाता रहूँगा आपको, रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। मोहन, तो देख लेते हैं एक बार और, मोहन महापात्र केलुचरण महापात्र से, पंकज चरण दास केलुचरण से याद हो जाएगा, हरे कृष्ण बोहरा, दोस्तों इसको हरे कृष्ण बोहरा को इस प्रकार याद कर लीजिए कि मान लो हमारे जो गांव वगैरह में कहते हैं ना कि कौआ कान लेके उड़ गया, ऐसा कुछ, तो किसी ने आवाज़ मारी तो सुना नहीं तो बोला कौआ कान लेके उड़ गया क्या, बहरा हो गया, बिल्कुल सुन नहीं रहा है, माया धरी की धरी रह जाएगी, हमारे प्राण उड़ जाएंगे। संयुक्ता पाणिग्रही, इसको याद कर लीजिएगा। सोनल मानसिंह, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण, तो कालीचरण पंकज चरण इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इंद्राणी रहमान, दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इनके बारे में आगे बताऊंगा आपको। और इंद्राणी रहमान ये ऊपर भी भरतनाट्यम से की हमने पढ़ा था। और दोस्तों शेरॉन लोवेन जो हैं ये एक विदेशी हैं यूएसए की, ये भी किससे संबंधित हैं, ये भी ओडिसी से संबंधित हैं। मिर्ता बार भी ये अर्जेंटीना की हैं, ये भी ओडिसी से संबंधित हैं। अदिति बंदोपाध्याय, ये भी ओडिसी से संबंधित हैं। और अरुणा मोहवी, ये भी किससे, ओडिसी से संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नृत्य है मणिपुरी, इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं आप। मणिपुरी किससे, मणिपुर से संबंधित है, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों ये वैष्णव धर्म के विषय से संबंधित है, अगर आपसे ये पूछा जाए, और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये किस विषय से संबंधित है, तो ये वैष्णव विषय से संबंधित है, ठीक है, कौन सा, मणिपुरी हमारा।
तो ये वैष्णव विषय से संबंधित है। इसके कुछ कलाकार देख लेते हैं, जैसे कि गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, तो ये सिंह सिंह वाले आप एक को याद रखेंगे तो दूसरा आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। कलावती, और बहुत इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, झावेरी बहनें, ये कुल चार बहनें हैं। उनके चारों के नाम हैं दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। तो ये झावेरी बहनें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मणिपुर के नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है, मणिपुरी से संबंधित। सविता मेहता, कला देवी, चारू माथुर, गोपाल सिंह, सोनारेका, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। और दोस्तों दरअसल समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इस समय 12 रात के 12 के बाहर हो चुके हैं, वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग गया था और बहुत सारे कारण, तो मैंने इनका कुछ ट्रिक भी जो याद की थी तो अब मुझे ऐसे नींद के कारण याद नहीं आ रहा है, और मैं रिपीट करता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा, इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है जो नृत्य है सत्रिया। सत्रिया जो है दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये याद रख लीजिएगा सत्रिया, ये असम से संबंधित है। इसका मूल आमतौर पर पौराणिक कहानियाँ होती हैं, तो ये नृत्य का जो मूल है वो पौराणिक कहानियाँ इसका मूल है। असम के महान वैष्णव संत श्रीमद शंकरदेव, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों ये भी, श्रीमद शंकरदेव, इनको संस्थापक माना जाता है, सत्रिया का संस्थापक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये सत्रिया जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कब जुड़ा, तो ये सन 2000 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जुड़ा। इसके कलाकार देख लेते हैं, मणिक बारवायान, जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, रामेश्वर सहकैया, हरिचरण सहकैया, जतिन गोस्वामी। तो आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, सत्रिया जैसे है सत्रिया, तो सत्रिया को आप सत्र से याद रखिए, जो सत्र होते हैं ना लोकसभा राज्यसभा के, तो उससे याद रखिए कि सत्र में क्या बार बार बयान दे रहे हैं, इस प्रकार मणिक बार बयान याद हो जाएगा आपको। और जीवेश्वर गोस्वामी याद कर लीजिएगा, प्रदीप चलिहा, क्या चलिहा, सत्र चल रहा है, तो प्रदीप चलिहा सत्रिया से याद हो जाएगा। सहकैया, रामेश्वर सहकैया, हरिचरण सहकैया, ठीक है, जतिन गोस्वामी, तो ये गोस्वामी रूट वर्ड याद कर लीजिएगा, सत्रिया से हैं, एक नाम से आपके दो नाम याद हो जाएंगे। सहकैया से याद कर लीजिएगा, तो रामेश्वर हरिचरण दो ये नाम हो जाएंगे। इस प्रकार से आप रिलेट कर करके एक दूसरे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने लास्ट में कुछ प्रश्न रखे हैं, चलिए इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कथक से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन बी माधवी मुद्गल, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी बाला सरस्वती। मैंने बताया था कि बिरजू महाराज जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ये कथक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और बाकी जो मैंने ऊपर बताया था बाला सरस्वती कैसे संबंधित है, भरतनाट्यम से। भारत में क्या करते हैं, बाल बच्चे जो होते हैं सरस्वती माता की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए पद्म सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी रुक्मणी देवी रंडेल, ऑप्शन डी केलुचरण महापात्र। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी केलुचरण महापात्र। मैंने आपको बताया दोस्तों केलुचरण महापात्र किससे संबंधित हैं, ओडिशी से संबंधित हैं, बाकी ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पद्म सुब्रमण्यम से कैसे याद रख सकते हैं, भारत में क्या करते हैं, पद पैरों को छूते हैं, ठीक है, ये हमारे भारत की संस्कृति है। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी रंडेल, रुकती नहीं है मनी कहाँ पे, भारत में खर्च हो जाती है पता नहीं चलता। केलुचरण महापात्र ओडिशी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद शंकरदेव किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी ओडिशी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया श्रीमद शंकरदेव किसके संस्थापक हैं, ये सत्रिया के। 15वीं शताब्दी में, अभी हाल ही में हमने पढ़ा, ये 15वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना की थी।
कथकली किस राज्य का है बताइए, ये केरल का है। और मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। ओडिसी ओडिशा का है, आपको पता ही है। निम्न में कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? ओडिसी से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए कालीचरण पटनायक, ऑप्शन बी इंद्राणी रहमान, ऑप्शन सी संयुक्त पाणिग्रही, ऑप्शन डी गीता गायक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गीता गायक। कालीचरण केलूचरण से मैंने आपको बताया था कि ओडिशा से, याद रखिएगा केलूचरण कैसे संबंधित है ओडिसी से, तो चरण से चरण याद कीजिए। कालीचरण पटनायक ओडिसी से, इंद्राणी रहमान इंद्र जो उड़ के जा रहे हैं इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इंद्राणी रहमान किससे ओडिसी संबंधित है। संयुक्त पाणिग्रही इंद्र के संयुक्त रूप से उड़ रहे हैं, ठीक है, पानी लेके। पानी कौन? वरुण देव। वरुण देव और इंद्रदेव संयुक्त रूप से उड़ रहे हैं, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रागिनी देवी किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो बताइएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था मोहिनीअट्टम, हम किसको देख के मोहित हो जाते हैं और बहुत सारे अभिनेता, श्रीदेवी को, सॉरी दोस्तों, श्रीदेवी को देख के मोहित हो जाते हैं। और श्रीदेवी मोहित हो जाते हैं तो किससे? ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और देवी रूट बट जो है रागिनी देवी को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, रागिनी देवी किसमें? मोहिनीअट्टम में, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांताराम किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कथक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो मैंने आपको बताया था कि जो कली लगी है हमारे कहाँ पे लगी है? कृष्ण कुटी में, कृष्ण कुटी में कली लगी है। कृष्ण कुटी किससे संबंधित हो गए? कथकली से। अगर सारे भाई मृणालिनी, सारा भाई मृणालिनी, सारा भाई भी कथकली से हो गए, सारे भाई भी अगर तोड़ने आए तो उनको शांत कर देना, ना यार कृष्णा ना यार, उन्हें मना कर देना कि ना तोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनने राम गोपाल ने बहुत मेहनत से पाला है, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं शांताराम किससे? कथकली से संबंधित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुरी। झावेरी बहनें आपको मैंने बताई थी, दर्शना नैना सुवर्णा और एक और कौन है, दर्शना नैना सुवर्णा और रंजना, ये चार बहनें हैं झावेरी बहनें, तो ये किससे? मणिपुरी से संबंधित हैं। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का है। सत्रिया से कौन संबंधित है? मणिक बार बयान, बार बार बयान, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी रेडी नहीं है, अभी कच्ची पुड़ी है, तो रेडी रूट वर्ड के जितने हैं सारे कुचिपुड़ी से संबंधित रहेंगे, ठीक है। कुचिपुड़ी कच्ची पुड़ी है आंध्र, कैसे याद रखेंगे? कुचिपुड़ी को कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कैसे याद रखेंगे? कि अंधे को कच्ची पुड़ी भी दे दो तो वो उसको पता नहीं चलेगा। दोस्तों मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बस एक रिलेट कर रहा हूँ कि ये किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। कि अंधे व्यक्ति को कुची पुड़ी दे देंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कच्ची है या पकी है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो अभी हमने देखा कच्ची है पुड़ी, रेडी नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? कुची पुड़ी से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, और साथ में हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए, और ना सिर्फ एसएससी, बाकी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारी क्लास समाप्त होती है, और दोस्तों मैं और भी नई नई वीडियो लाता रहूँगा, और जैसे कि घराने से संबंधित है, और दोस्तों ये जो हमारे कलाकार हैं इन्हें भारत रत्न कब मिला, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड कब मिले, ये सब मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसलिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा लीजिए,
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।